देश में लॉकडाउन है और लोगों के सामने भूख एक बहुत बड़ी समस्या की तरह खड़ी होती जा रही है। प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं लगातार कोशिश की कर रही है कि लोगों की भूख मिटाई जाए किसी भी तरीके से, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग शिकायत पर शिकायत आती जा रही है। ऐसे कि कल ही देखा गया कि सेक्टर 17 में महिलाओं ने काफ़ी संख्या में इकट्ठा होकर जिला अधिकारी कार्यालय पर जाने लगी, लेकिन जिससे पुलिस अधिकारियों ने रोका, उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। इसी चीज़ को देखते हुए यूपी सरकार लगातार नज़र रखी हुई और कार्यरत भी है। अब नए प्रावधान के तहत दो तरीके की राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी राशन कार्ड उनको दिए जाएंगे जो कई सालों से नोएडा शहर में रह रहे हैं, यहीं पर उनके कई प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं। दूसरी अस्थायी राशन कार्ड दिए जाएंगे जो बाहर के देश भर के कहीं से भी आए हुए और यहाँ पर रह रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, नौकरी पेशा वाले हैं या कैसे भी लोग हैं, उनको अस्थायी राशन कार्ड दिए जाएंगे जो लॉकडाउन के दौरान उनसे वो अपना सुविधा ले सकते हैं, उनके जरिए राशन लेकर अपना भोजन बना सकते हैं और अपनी भूख की जो समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के सामने और सरकार के सामने भी है, उनकी समस्या का समाधान हो सकते हैं। इसलिए युद्ध स्तर पर कार्यरत है। आज नोएडा सेक्टर 16 स्थित झुग्गी बस्ती में इसी तरह के दो तरीके के फार्म भरे गए, इसमें से अस्थाई जो है 82 फार्म और अस्थाई रूप से जो फार्म भरे गए वो भी काफ़ी संख्या में थी, जिसके कारण में जल्दी से करके लोगों तक राशन कार्ड पहुंचा दिए जाएंगे ताकि उनको राशन जैसी समस्याएं जल्दी से दूर हो सके। बदन की आवाज़ रमन झा। हाँ जी, अभी जो राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं इसमें जो है ना, किस आधार से टेम्परेरी वाले बनाए जा रहे हैं, परमानेंट वाले बनाए जा रहे हैं? दोनों तरह का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनका यहाँ लोकल आईडी है, उनका यहाँ का अस्थाई राशन कार्ड बन रहा है। जो लोग छूट गए थे, जिनके पास है नहीं राशन कार्ड, और जो लोग बाहर के रहने वाले हैं, जैसे बिहार से है, राजस्थान से है, पश्चिम बंगाल से है, उनके बाहर के आईडी है, उसके आधार पर उसका जो टेम्परेरी कार्ड बनेगा, कोरोना महामारी को देखते हुए जो उनको जो राशन मिलने वाला है उसको देखते हुए वो कार्ड बनाया जा रहा है। दोनों तरह के कार्ड बनाए जा रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा? जो टेम्परेरी है, जो जिस राज्य का रहने वाला है वहाँ का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और उसका फोटो, ये दिया जा रहा है, उसके आधार पर उसका राशन कार्ड बनेगा। अभी तक आपने अपने इलाके से कितने अप्लाई करवाए हैं? अभी तक हमारे यहाँ 2 दिन से चल रहा है, अधिकारी हमारे यहाँ 2 दिन से जो आए हैं, अभी तक जो फार्म हमने भरवाए यहाँ लोगों के, जो लोग हमारे पास आए हैं, उसमें से 80 लोग जो परमानेंट वाले हैं, जिनका यहाँ अपना मकान भी है, अपने आईडी भी है, 80 लोग ऐसे भरवाए गए हैं फार्म। और जो लोग बाहरी लोग हैं, करीब 150 लोगों के जो है फार्म जो है भर गए हैं, उनकी एक सिंपल लिस्ट बन रही है, उसका फार्म नहीं है, लिस्ट बन रही है, उसका नाम, पिता पति का नाम, घर के यूनिट के सदस्य, बालिक नाबालिग कितने हैं, उसका आधार कार्ड संख्या, उसका मोबाइल नंबर, और उसको सरकारी कोई योजना का लाभ कभी मिला है नहीं मिला अभी इस दौरान में, वो उसमें सब जो है भरा जा रहा है। प्रधान जी, दो तरीके के लोग होंगे, एक जो कई वर्षों से रह रहे हैं लेकिन उनके पास राशन कार्ड, एक टेम्परेरी मजदूर टाइप के लोग हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो मुझे उनके लिए तो सबके लिए टेम्परेरी बन रहा है, जो 5-10 साल से रह रहे हैं किराए पर हैं उनको परमानेंट बनाया जा रहा है। जो 5-10 साल से रह रहे हैं उसमें भी दो कैटेगरी हैं, कि उनके पास अगर यहाँ का आईडी नहीं है तो उसका भी टेम्परेरी ही बनेगा फिलहाल जो है, और जिनके पास यहाँ के आईडी है और अपना मकान है, झुकी ही है लेकिन उसका अपना है, तो उसका जो है अस्थायी कार्ड बनेगा, और जो बाहरी है उसका बाहर के हिसाब से ही बनेगा। ब्रह्मपाल सिंह, प्रधान सेक्टर 16 नोएडा। ये वाले एंट्री क्या है? ये राशन कार्ड की पूरी तरह से किया जा रहा है, उसका नाम लिखे जा रहे हैं, इसमें दोनों तरीके के राशन कार्ड हैं, एक परमानेंट और टेम्परेरी। जो मजदूर लोग हैं रोज सामान्य खाने वाले और आते हैं चले जाते हैं, उनके लिए टेम्परेरी का व्यवस्था किया जाए ताकि लॉकडाउन में उनको राशन मिल सके। एक वो लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो मेरे 5-10 साल से रह रहे हैं, उनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, इस लॉकडाउन के समय कारण उनको ये बड़ी समस्याएँ खड़ी हुई है, उनके परमानेंट कार्ड में प्रोसेस क्या है यहाँ पे? सर, एक उनकी ये जो राशन कार्ड बना रहे हैं, क्या प्रोसेस है, उसको टेम्परेरी है, उनके लिए क्या है? हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि जिनके पास, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जिनके पास यहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजली का बिल है,
और उनके राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। उनके एक तो फॉर्म भरवाए, उनका सत्यापन चल रहा है, उनके स्थायी कार्ड बनवाए, और एक जो बाहर के मजदूर यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए एक प्रारूप दो तैयार किया गया है। उनमें उनका नाम, पिता पति का नाम, उनका बालिक संख्या कितनी है, उनके परिवार में नाबालिग कितने हैं, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इससे उनका एक डाटा तैयार करके उनको उनका राशन या जो भी सरकार व्यवस्था करेगी। तो सरकार ट्रेस कैसे करेगी कि हमारे, हमने मोबाइल नंबर नोट किए हैं सबके, जो सब हमने सर्वे किया है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सबका नोट किया है। अगर भविष्य में जो भी उनके लिए सहायता राशन या जो भी उपलब्ध कराया जाएगा उससे उसको ट्रेस। इसमें एक ऐसे कैंडिडेट है जिसका पति यहाँ परमानेंट रह रहा है, शादी करके आया, वाइफ कहीं और से आई है, उसके पास यहाँ का आधार कार्ड है नहीं, तो क्या ऐसे लोग हैं एप्लीकेबल? नहीं, जिनका यहाँ का आधार कार्ड है, चाहे अगर वो पति का हो तो यहाँ एप्लीकेबल है। पत्नी तो मायके से आई है, उनके मायके नहीं, वो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। उसको अपनी आईडी देनी पड़ेगी कि कोई जिसमें उसका पति पत्नी का कोई संबंध प्रस्तुत हो रहा हो, अच्छा संबंध का रिलेशन सब, मेरा सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस होना।